तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाश्री ब्लॉग। तो अभी आज मैं थोड़ा फेस ब्लॉग नहीं करूँगा, आज मैं मोटो ब्लॉग करूँगा। देख सकते हैं हमारे यहाँ से ग्रीन लाइट हो गई, चलिए वेट नहीं करना होगा, जल्दी से चलते हैं। और ये हमारा पुराना स्कूल BNS इंग्लिश स्कूल, यहाँ से हमने 12th पास किया है। पुरानी यादें। भैया एकदम सांप बना दिए हैं भैया, सांप बना दे, सांप है तो लहरा लहरा क्यों नहीं है लहरा, ये ये इतने हो गया, अपने कंटेंट चाहिए, लेकिन उनके लिए उनको गिराया नहीं जा सकता। एक बनारस रेल इंजन कारखाना। तो अभी हम लोग आ गए बुल्लनपुर एरिया में, और आगे वाले एरिया जलाली पट्टी, आगे वाला लोकेशन जो है जलाली पट्टी बोला जाता है इसको। तो देखिए रेलवे का ट्रैक साफ हो रहा है, रास्ता तो बड़ा गड़बड़ है भाई साहब। चलिए देखते हैं साफ सुथरा में निकल पाते हैं कि नहीं। शुरू से तो इधर ही हमें काम था, वो काम जल्दी से ख़त्म करते हैं, वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो गवर्नमेंट एरिया तो उसमें वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है। फिर काम ख़त्म करके फिर से मिलते हैं ब्लॉग में आपको। पे फिट करते करते फोन गिर गया बेचारा, अच्छा हुआ स्क्रीन नहीं फूटा। अभी एक लॉगिंग के चक्कर में स्क्रीन फूटा था, फिर अभी रिप्लेस कराया, फिर देखिए बस हल्का सा बॉडी डैमेज हुआ है। तो अभी अच्छे से देखा भी नहीं कि कितना फूटा है कितना नहीं फूटा है। चलिए हम लोग आ तो गए सही रूट पे, पहली बार एक्चुअली मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। और ये देखते हैं ये वाला रास्ता कहाँ जाएगा। ओहो पानी बहुत गंदा है, तो आप लोग कमेंट करिए। आप लोग जितना कमेंट करते हैं वो एक मोटिवेशन रहता है, एक कमेंट नहीं रहता है, बहुत अच्छा लगता है। ओहो चचा स्टैंड नहीं लगाए हैं भैया, स्टैंड लगा दीजिएगा। तो वीडियो बनती रहेंगी। अभी एक तरह का मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, क्या आप लोग को देख के अच्छा लगेगा, किस कैरेक्टर में मैं एकदम फिट आऊँगा, पर्सनैलिटी को भी सूट करे, वैसा कुछ करना पड़ेगा।
अब इतना लंबा चौड़ा शरीर लेके बंदर की तरह कूदूंगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। कुछ मीनिंगफुल हो, कुछ रिस्पेक्टफुल हो, ऐसा कुछ बताइए। आप लोग सजेस्ट करिए, डेली ब्लॉग करूं कि मोटो ब्लॉग करूं कि क्या करूं। मोटो ब्लॉग के लिए तो देखिए बनारस में कोई सुपर बाइक चाहिए नहीं, सिंपल सी अपनी ये बाइक एकदम परफेक्ट है, क्योंकि 50-60 के ऊपर आप कहाँ जाएंगे यहाँ पे। अपने दिलासा के लिए बोलना पड़ता है। तो ये हम लोग DLW गेट से बाहर आ गए हैं और देख सकते हैं किस्मत, जहाँ जिस लाइट पे जाता हूँ उस लाइट पे ग्रीन, और ये यार रेड हो गया। ओह माय गॉड, नज़र लग गई क्या? ओहो परेशान। ओवर कॉन्फिडेंस ऑलवेज किल्स। ओहो अरे गाड़ियाँ तो जा रही हैं, रेड लाइट नहीं। अच्छा सही है बॉस, हमारे मामू लोग। मेरी वॉइस आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, बट चलते हैं, वो तो एडिटिंग करते समय पता चलेगा क्या हो जाता है। ऐसे ही एक बार मैं सोचा सीरी को नहला रहा था और व्लॉग बना रहा था, बट व्लॉग जब एंड कर दिया तो पता चला वीडियो बनी ही नहीं है, और ये घंटे का मेहनत ख़राब। मैं बस सोचा कि शूट करता जाऊँ बाद में एडिटिंग करके एक अच्छा शॉर्ट्स बनाऊँगा, बट 20 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद पता चला जब फ़ोन लिया तो रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। ये दुख दर्द काहे नहीं ख़त्म होता है यार, बड़ा बुरा लगा। चलिए इससे भी बहुत बुरा होता है, तो ये तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं लेकिन ठीक है। तो ये हम लोग आ गए सुंदरपुर चौराहा, इसको कहते हैं सुंदरपुर चौराहा, और ये ऑटो स्टैंड। ओए चचा निकल जाएगा छोटू, ये तो हम लोग आ गए बाहर, थोड़ा निकालना पड़ेगा। पता नहीं ऑटो वाले भैया क्या कर रहे थे खड़ा करके गाड़ी बीच में। ओहो हो, अचानक से सरप्राइज देते हैं यहाँ पे लोग। अरे भैया तो गाना सुन रहे हैं, हमारा तो बस यही डर रहता है कोई फ़ोन न खींच के ले जाए। हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो के चक्कर में फ़ोन तो शहीद होगा कभी ना कभी, ऐसे हिंट्स मिलते रहते हैं मुझे। मान लीजिए अभी थोड़ा सा जर्क लगा और फ़ोन स्लिप होके होल्डर से गिर गया। ओहो शुभ शुभ बोलना पड़ेगा मुझे, शाम का समय है, पता चला गिर गया, व्लॉगिंग ख़त्म। सो हम लोग आ गए नरिया वाले रोड पे। ये हमारा पुराना स्कूल BNS इंग्लिश स्कूल, बहुत यादें हैं यहाँ पे। पहले मैं बाइक ओहो ऐसा मैंने ग्रीन लाइट को बोल दिया कि अब जहाँ देख रहा हूँ वहीं रेड लाइट मिल रहा है। अब
अभी हम लोग आए लंका पे बीएचयू गेट के सामने चौराहे पे, रेड लाइट है, देखते हैं कब ग्रीन होती है। अरे जल्दी ग्रीन तो हो गई। तो मैंने ग्रीन लाइट को ऐसा बोला कि नज़र लग गया, अब आते समय हर जगह रेड लाइट, ग्रीन हो के रेड लाइट मिल जा रही है मुझे। ओ हो, यहाँ देखिए, यहाँ बिना रेड लाइट के रुकना पड़ेगा। अरे अच्छा, ओहो लग फिर से हो गया क्या? अरे हमारी गौ माता लोग, उनको बीच रोड पे पता नहीं क्या स्वाद मिलता है। चलिए फिर भी सही है। कहाँ जाए बेचारे लोग, के लिए कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। हमको नहीं, उस लायक बना दीजिए कि व्यवस्था करूँ तो व्यवस्था कर दूंगा, ऐसा भी नहीं है, लेकिन पहले बनाइए तो। तो हम लोग आ गए अभी सामने घाट, जो कि यहाँ से इस सेम इस जगह से पानी वहाँ तक भरा था, और अब देख सकते कंडीशन ये वाली लेन बंद हो चुकी थी। पता नहीं इतना जल्दी कैसे जुगाड़ किया गया, लेकिन भाई मानना पड़ेगा बहुत सही रास्ता क्लियर हुआ है। और फोर व्हीलर्स का तो इधर आना जाना बंद हो गया था, बट अभी देख सकते हैं सब ठीक है, एकदम मस्त हो गया रोड, बस थोड़ा सा रोड ख़राब हुआ है। और एक भाई है, वो तो मतलब क्या ही वीडियो बनाते हैं, बहुत सही, उनको देख के मोटिवेट होता हूँ। शायद प्लेटिना लेके बनाते हैं, और मतलब बहुत सही, बनारस में कोई अपडेट होता है तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं, उन्हीं को देख के मोटिवेशन आता है थोड़ा सा। उनका नाम आप बताइए कौन है बनारस का सबसे सही मोटो ब्लॉगर। और ये हम लोग आ गए रामनगर के पुल पे, तो देख सकते हैं गंगा नदी कितनी ऊपर आ गई है। गंगा मैया का प्रकोप भैया बहुत खतरनाक है, और ये बच्चों में यहाँ मैटर हो गया क्या? नहीं नहीं, वो सब टाइम पास। और देख सकते हैं वो जो टावर का जो नीचे का ये बेस है, वो बेस परसों पूरा डूबा हुआ था, तो पानी बहुत तेज कम हुआ है, जो कि सही भी है। तो यहाँ पे बीच रोड पे जो गाड़ियाँ रोकते हैं लोग, मतलब करना नहीं चाहिए बाकी, लेकिन इतना सही सुंदर माहौल भी बन जाता है। देख सकते हैं वो पिलर जो था वो डूबा हुआ था, अभी देख सकते हैं लगभग काफ़ी नीचे पानी आया है सडन, देख सकते हैं वही पिलर की बात कर रहा हूँ जो बीच वाला टावर है। और ये अपना रामनगर का किला, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, लाइक कर दो यार, क्या जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ऐसे ही कमेंट करके बताइए और कैसे किस टाइप के कंटेंट आपको चाहिए, उस टाइप का कंटेंट हम लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय।